डोंट वरी भाई, लद्दाख जाने का ड्रीम कंप्लीट हो रहा है धीरे धीरे। बॉयज अगर किसी को पता है ना ये क्या चीज़ है तो प्लीज ना कमेंट में जरूर बताना, मेरे को नहीं पता। अब मैं यहाँ पे रुकता लेकिन उतना टाइम ही नहीं है। ये नदी कभी इधर से जा रही है कभी उधर से आ रही है, तो समझ नहीं लग रहा है इसको जाना कहाँ। पहुंच गए अब असली वाले रास्ते पे ना भाई, जहाँ से ना हमें भाई ना आदमी मिलेगा और ना आदमी की जात। कैसे हो? उनके घर कितने खूबसूरत है और ये खूबानियाँ भाई, हर कहीं पे आपको यही पेड़ देखने को मिलेंगे। मुझे ना सफोकेशन सी हो रही है, मुझे ये पता नहीं भाई ये क्या सीन है, लेकिन आप ये चेक करो भाई क्या बात है मेरी जान। मैं ना लीन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा स्टैंड नीचे लग रहा है भाई, इसकी ना ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा कम है, डैट्स वाई भाई मैं ना लीन ही नहीं कर पा रहा हूँ। और मेरे पीछे ना ज़्यादा वेट है, इसके पास ना एक बैग है मेरे पास दो बैग है भाई, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा गंदा सीन हो रहा है, लद्दाख जाने का ड्रीम कंप्लीट हो रहा है धीरे धीरे। आई होप कि सारी चीज़ें ना भाई बेटर हो, सारी चीज़ें अच्छी हो भाई। आज ना दिन में लगभग 500 किलोमीटर कवर करेंगे, लेकिन रोड अच्छा होना चाहिए भाई। रोड अगर ऐसा होगा तो भाई 500 तो क्या 1000 किलोमीटर में चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर रोड ऐसा हुआ तो मैं चाहता हूँ भाई कि मैं ना आपको सारी की सारी चीज़ें एक्सप्लोर करके दिखाऊँ। भाई भाई रोक रहे हैं हमें, रुकने के लिए बोल रहे हैं हमें। यस सर, क्या कर रहे हैं सर? एंट्री। ओके ओके, ठीक है सर, आजा काशु। बॉयज यहाँ पे ना एंट्री वगैरह करनी है कुछ, मेरे को ना इस चीज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। मुझे पता था कि एक जगह पे करनी है, लेकिन वो अब पता चलेगा यहाँ पे करनी है। यहाँ पे ना भाई खुद ही एंट्री करनी पड़ती है सर। यहाँ से क्या नज़ारा है भाई, क्या नज़ारा है यहाँ से, ख़तरनाक नज़ारा है। और ये नज़ारा इंजॉय करते हुए ना दानिश्वर मैं जा रहे हैं। तो बॉयज इतना लोड लेके ना भाई मैं जा रहा हूँ ख़तरनाक तरीके से भाई, 110, 11, 12 स्पीड है भाई, देख रहे हो क्या बात है मेरी जान। ओहो 115 हो गई है, 120 हो गई है भाई, क्या बात है। विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा है भाई, 122 है क्या बात है मेरी जान। ओ भाई 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 भाई, ओह ये क्या था वो। हमारे पीछे कम से कम 60 kg का वेट है और तू भी कम से कम 70 kg का है और मैं भी 82 का हूँ भाई। इस बाइक पे ना ऑलमोस्ट 200 kg का वेट है, तब भी बाइक ना 225 जा रही है। मतलब ऐसा वाला रोड देखने के बाद ना भाई, भाई गॉड कह रहा हूँ भाई, मैं तो दीवाना हो गया इस रोड का भाई। अब तो एक साल में एक ट्रिप लगेगी लद्दाख। आप लोग सपोर्ट दिखाओ भाई, इससे भी अच्छी खूबसूरत जगह आपको दिखाएंगे, बहुत ख़तरनाक सीन होगा, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। बॉयज वो ना अभी भी नहीं दिख रहे हैं, वो गए तो गए कहाँ, गए कहाँ बोलो वहाँ भाग रहे हैं भाई पागल है वो, क्या भगा रहे हैं, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं भाई। भाई ये क्या पोल्यूशन उठा रखा है इस गाड़ी वाले ने, भाई बाइक ही नहीं भाग रही है, क्या भागे हम, ये पूरा का पूरा ना हिली एरिया है एंड बाइक ही नहीं भाग रही है भाई। लेकिन ये ना क्या पोल्यूशन उठा रखा है इन लोगों ने, बिना फ्यूल भराते हैं बाइक में, फुल टैंक कराते हैं फिर से अंदर निकलते हैं यहाँ से। नहीं चचा दोस्ती नहीं, हम भाई है समझ गए चचा, ना 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 आलाम लद्दाख कहाँ, पुलवामा
हाँ कितना देना इसको? अच्छा कितना देना हमें? 1250। तुझे कितना है गिनो? 1200 हो गए। हम जा रहे हैं पैंगोंग। अच्छा अच्छा देखेंगे ना आप। तो बॉयज अभी हम कोई इस तरह की लोकेशन से जा रहे हैं। यहाँ पे ना बकचोदी चल रही है भाई फुल पावर। दानिशा थक गया पीछे, मेरी ना आदत है बाइक पे ट्रैवल करने की। दानिशा ज़्यादा बाइक पे ट्रैवल नहीं करता, ये ज़्यादा गाड़ी में होता है। अभी ना हमें 260 किलोमीटर और जाना है, तब जाके हम लेफ्ट पहुँचेंगे। इस पहाड़ की तरफ देखने से ही डर लगता है। ये देख रहे हो कितना ऊपर है ये भाई, ये ना बहुत ज़्यादा ऊपर दिख रहा होगा। वहाँ से ना साफ पानी आ रहा है और यहाँ से गंदा पानी आ रहा है और वह मिक्स होकर ना बिल्कुल गंदा बन रहा है। वहाँ देख रहे होंगे आप, वहाँ से ना ब्लू कलर का साफ पानी आ रहा है और यहाँ से ना गंदा पानी आ रहा है, तो वो मिक्स हो रहा है भाई, खतरनाक। वो कितना साफ है और कितना गंदा है, देख रहे हैं काशिफ बॉयज? मैं ना ये नोटिस कर रहा था ना वहाँ पे, देख रहे हो स्टोन्स का ना कलर चेंज हो रहा है, लेकिन ये नहीं पता भाई क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, वो यहाँ के लोग जाने बस वहाँ तक। क्या टाइम के बाद ना मुझे थोड़ी सी हरियाली दिखी है कहीं पे। इस गाड़ी वाले चचा को ना पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, इसको ना पिटाई पड़ेगी मेरे हाथों से, कभी आ रहा है कभी जा रहा है। तो बहुत टाइम के बाद हरियाली देखने को मिली है मुझे, एंड ये हरियाली ना ज़्यादा टाइम तक नहीं दिखेगी क्योंकि एक विलेज है। विलेज के बाद ना भाई ये सारी चीज़ें जो है ना ख़त्म हो जाएंगी, एंड उसके बाद फिर से भाई रेगिस्तान पहाड़ भाई सारी चीज़ें फिर से। देख रहे हो क्या कर रहा है बंदा? हम आ चुके हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे ना चचा कुछ भेज रहा है, खूबानियाँ भेज रहा है लद्दाख की। चचा हम कश्मीर के ही हैं। मैं कश्मीर का ही हूँ। कोई बात नहीं चचा, जो यहाँ का होगा उसको नहीं देंगे? हाँ? जो यहाँ का होगा तो ये तो JK02 नंबर थी, जम्मू की गाड़ी थी ना ये। हाँ इधर कहना, इधर के विभाग का गाड़ी ज्यादा है ना, इधर का दिल्ली का गाड़ी भी है, गांधीनगर का गाड़ी, हर जगह का गाड़ी है। ये कितना है? जो सीनियर था तो उनको लेते हैं। कहां भाई ये नदी कभी इधर से जा रही है कभी उधर से आ रही है, मेरे को समझ नहीं लग रहा है इसको जाना कहां है। पहुंच चुके हैं अब असली वाले रास्ते पे ना भाई, जहां से ना हमें भाई ना आदमी मिलेगा और ना आदमी की जात, और यहां से ना हमें कम से कम अभी ना 220 किलोमीटर और जाना है। भाई साहब हम कहाँ से आए हैं भाई, ये देख रहे हो हम कहाँ कहाँ से आए हैं। पे नहीं अपन लेह लद्दाख में भी हाथ छोड़ के बाइक को राइड करते हैं भाई, समझ रहे हो भाई? घर पे नहीं, लेह लद्दाख में भी हम करते हैं सर एक चीज़ है। वहाँ पे रुके हैं एंड हमें ना भाई मैगी वगैरह बनानी है, डेट्स वाई ये खोल रहे, इसी में ना सारा मैगी वगैरह का सामान है। तो बॉयज हम आ चुके हैं सारी लोकेशन पे, एंड उबैद देखो भाई यहाँ पे ना भाई थोड़ी सी छाव है, डेट्स वाई हम यहाँ पे रुके हैं और यहाँ पे ना मैगी वैगी बनाएंगे फिर आगे जाएंगे भाई। टॉन टॉप पता नहीं यार मुझे ना सफोकेशन सी हो रही है, मुझे ये पता नहीं है भाई ये क्या सीन है, लेकिन आप ये चेक करो भाई फौतुला टॉप है ये, ठीक है 13479, ठीक है हाईएस्ट पीक ऑन लेफ्ट श्रीनगर रोड। ओ भाई क्या बात है क्या बात है। ओहो राइडर्स देखो कहाँ आ रहे हैं, राइडर्स ना बहुत सारे आ रखे हैं भाई। दानी सीधे बैठ, वो देख रहे हैं वो कहाँ है, इसी के साथ पहुंच चुके हैं हम कुछ इस तरह की लोकेशन पे, और यहाँ से ना भाई हमें लगभग 60 किलोमीटर जाना है लेह की तरफ। हमें ना लेह जल्दी पहुंचना है क्योंकि हमारा ना गैस ख़राब हो गया, पता नहीं उसमें ना गैस ही नहीं निकल रही है, शायद पिन में कोई ना कोई इशू आ गया है, तो उसकी वजह से ना भाई प्रॉब्लम आ रही है, हम ना शाम को पका ही नहीं पाएंगे फिर, तो इसी वजह से थोड़ा सा फास्ट ही चल रहा हूँ मैं। तो मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है भाई, मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था इतना अच्छा रोड होगा,
भाई सच्ची में यार बहुत खतरनाक रोड है, बहुत ज़्यादा खतरनाक रोड है भाई। मैंने सोचा था भाई ख़राब रोड होगा एकदम गटर जैसा, लेकिन जोजिला पे थोड़ा सा रोड ख़राब, बाकी हर कहीं पे ना भाई रोड ना मक्खन है मक्खन फुल पावर भाई। तो अगर आप लद्दाख आ रहे हो ना भाई, बैग उठाओ और निकलो लद्दाख के लिए भाई, फुल पावर खतरनाक तरीके से। यहाँ पे ना भाई बहुत अच्छी अच्छी जगह है, बहुत सारी है, टाउन ना भाई बहुत खूबसूरत है, वहाँ पर आप घर देख पा रहे हो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा। ओह क्या बात है, और शायद से ये इनका मंदिर वगैरह है, मेरे को पूरा इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो मैं जज नहीं करूँगा। और ये खुबानिया भाई, भाई हाय कैसे हो, उनके घर कितने खूबसूरत है। और ये खुबानिया भाई हर कहीं पे आपको यही पेड़ देखने को मिलेंगे, ये देख रहे हो भाई उतारे। ये ना अलग ही लेवल का सीन देखने को मिल रहा है मुझे, क्या बात है क्या बात है क्या बात है मेरी जान। लाल ना उबैद और दानिश पीछे रह चुके हैं, पहले ना उनका वेट करते हैं, उनको आने देते हैं यहाँ पे, एंड देखते हैं उनको अभी कितना टाइम लगता है यहाँ तक आने के लिए, एंड उसके बाद ना एक साथ चलेंगे फुल पावर तरीके से। बॉयज़ अगर किसी को पता है ना ये क्या चीज़ है तो प्लीज़ ना कमेंट में ज़रूर बताना, मेरे को नहीं पता। अब मैं यहाँ पर रुकता लेकिन उतना टाइम ही नहीं है, सही है। तो यहाँ देख रहे हो यहाँ पर भी है, तो अगर किसी को पता है ना नाम हमें थोड़ी पढ़ना आएगा ये किस भाषा में है, अगर किसी को पता है ना भाई तो कमेंट में ज़रूर बताना। शायद से इनके लिए ना कोई पार्क जगह होगी, है ना, इनके लिए कोई पार्क जगह होगी आई थिंक सो, बट मुझे नहीं पता, मुझे इसके बारे में ना बिल्कुल नॉलेज नहीं है। अगर आप लोगों को पता है ना तो भाई प्लीज़ बताना कि ये कौन सी जगह है। और यहाँ के लोगों में ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि ये ना इनकी ये ना बहुत अच्छी तरीके से चल पाते हैं पहाड़ों पे, जहाँ भी इनकी मर्ज़ी हो वहाँ ये चल पाते हैं अच्छी तरीके से। यहाँ ना विंड ब्लास्ट इतना ज़्यादा है मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मतलब हवा ना बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, तो इतना तेज़ चल रही है कि मैं ना भाई इसको झेल ही नहीं पा रहा हूँ, समझ रहे हो भाई खतरनाक भाई। लीन देख रहे हो क्या जहर है पीछे से ना, जाहिल अनपढ़ लोग आ रहे हैं, पता नहीं है वो कहाँ चले गए भाई। ओह मैन क्या बात है भाई, यहाँ ना बकचोदी चल रही है बहुत खतरनाक वाली। आजा दम है तो आजा। भाई रोड एक बार चेक करो यार, क्या जहर रोड है। भाई ये ना 100 के ऊपर जा ही नहीं रही है, रोड ना बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। और वहाँ वहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे ना एक अलग ही वाइब आती है भाई, एक अलग ही मज़ा आता है यहाँ पे। एंड अभी ना हम सीधा जा रहे हैं भाई लेह की तरफ, और लेह में ना फुल पार मज़े करेंगे यार। ओ मैन क्या बात है।